हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेली फॉर ऑल। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स और परचेज में जीएसटी को कैसे यूज करते हैं, और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें एडवांस रिसिट मिलता है तो हम जीएसटी को कैसे यूज करेंगे। दोस्तों जीएसटी में एक सेक्शन है, सेक्शन 31 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी कस्टमर से एडवांस रिसिप्ट हुआ है तो आज इस डेट को आपको वो एडवांस रिसिप्ट मिला है, आप उसी डेट को टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई कस्टमर है जिसे आपको कोई गुड्स सप्लाई करने हैं, पर उसने आपको 1 जुलाई को ही अपनी एडवांस पेमेंट कर दी और आपको गुड्स जो सप्लाई करने हैं वो नेक्स्ट मंथ करने हैं, पर आपको पेमेंट जो है वो 1 जुलाई को ही रिसीव हो चुकी है, तो आप 1 जुलाई को ही टैक्स आप पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। और आपको एक टैक्स इनवॉइस बना के अपने कस्टमर को देना होगा जिसमें आप अपने गुड्स और टैक्स की सारी डिटेल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ एडवांस रिसिप्ट नाम से कर रखी है। फिर उसके बाद आप जीएसटी को इनेबल करेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे F11। फिर स्टेटरी एंड टैक्स में जाएंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे F3। यहाँ जो पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे। और फिर सेट क्वार्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे। और फिर यहाँ स्टेट में मैं दिल्ली रहने दूंगा क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली की है। फिर मैं जीएसटी नंबर डाल देंगे। एप्लीकेबल फॉर्म में 1 जुलाई रहेगा और बाकी एसिटीज रहेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें एडवांस रिसिप्ट हुआ था तो हम उसकी एंट्री करेंगे, इसके लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। रिसिप्ट में एंट्री करने के लिए प्रेस करेंगे F6। और सबसे पहले अपनी डेट चेंज करेंगे क्योंकि जो हमें एडवांस रिसिप्ट हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ, तो उसके लिए प्रेस करेंगे F2। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस रिसिप्ट नाम से, इसको प्रेस करेंगे और आपको यहाँ एडवांस रिसिप्ट लिखा हुआ शो होगा। फिर हमें यहाँ अपना अकाउंट डालना है। मान लीजिए मुझे जो एडवांस रिसिप्ट हुआ है वो एक बैंक के थ्रू हुआ है, तो हम यहाँ अपना एक अकाउंट बना लेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे Alt+C। फिर एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। होगा बैंक अकाउंट में, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर्टिकुलर में हमको लेना है कि हमें किस कस्टमर से एडवांस रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ अपना कस्टमर अकाउंट बना लेंगे, प्रेस करेंगे Alt+C। ये हमारा होगा सभी डेटर। उसको हम यस कर लेंगे, उसमें ले लेंगे रेगुलर। और फिर अपने डीलर का जो है जो कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे हमें शो रहा है स्टॉक आइटम, जिसमें कि हमें बताना पड़ेगा कि हम अपनी कौन सी आइटम सप्लाई करेंगे। तो चलिए अपने आइटम क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए प्रेस करेंगे Alt+C और फिर अपना एक आइटम क्रिएट करेंगे। को हम यस करेंगे, उसमें हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, HSN कोड डाल देंगे, इन नॉन जीएसटी गुड्स को नो रहने देंगे और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू करेंगे और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज को नो रहने देंगे और फिर अपने टैक्स रेट फिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं फिक्स कर लेता हूँ 18%। एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ गुड्स ले लेंगे,
और ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा कस्टमर था वो लोकल कस्टमर था, इसलिए यहाँ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में इक्वली डिवाइड हो गया। अब अपना एडवांस रिसीप्ट जो हमें मिला था वो डाल देते हैं। देखिए यहाँ टैक्स इक्वली कैलकुलेटर आ गया, अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एडवांस होता है, एडवांस ले लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ अपने बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। अब अपनी एंट्री देखने के लिए प्रेस करेंगे पेज अप, फिर अपना टैक्स इनवॉइस देखने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस पी, और अगर आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस आई। जैसे देखिए अभी मेरे पास नहीं आ रहा, मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट प्लस आई तो यहाँ मुझे शो हो रहा है। फिर आप प्रेस करेंगे एन मतलब नो के लिए, तो यहाँ जो प्रिंट एडवांस रिसीव है उसको आप यस करेंगे। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आपका टैक्स इनवॉइस शो हो जाएगा। जूम करने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस जेड, और देखिए आप अपने टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। इसको बैक करेंगे और आप अपनी एंट्री की डिटेल चेक करेंगे। इसके लिए जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में, जीएसटी में, और फिर हमारा जो एडवांस रिसिप्ट है वो हमारा शो होता है जीएसटी फार्मर में। ये देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस में शो हो रहा है। एंटर दबाएंगे और आप चेक कर सकते हैं आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स है वो कितना शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपने एडवांस रिसिप्ट का जो टैक्स इनवॉइस है वो बना सकते हैं और अपनी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज जब तक ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।